छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम बस्तर, सरगुज और रायगढ़ के बाद दुर्ग संभाग के बालोद जिला में 18 सितंबर को गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जेवरतला में हुआ था, जहां पर उन्होंने अनेक विकास कार्यों की घोषणा की, जिसे अमली जामा पहनाते हुए संसदीय सचिव और गुंडरदेही विधानसभा के लोकप्रिय विधायक कुंवर सिंह निषाद देवरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत फदरफोड़ सुरसुली नर्मदा धाम में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में संसदीय सचिव ने शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है या नहीं, इस पर भी ग्रामवासियों से चर्चा की और समीक्षा कर ग्राम पंचायत के सदस्यों से किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार गांव गरीब किसान की सरकार और राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम हुआ है। 3 महीने पहले जो CM आया था मुलाकात भेंट में घोषणा किए थे कि विद्युत केंद्र एवं जिला सरकारी बैंक एवं महाविद्यालय का उसमें आज विद्युत केंद्र का प्रारंभ आज विधायक महोदय के द्वारा किया गया एवं विद्युत केंद्र के समस्त अधिकारी मान्य एवं पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष हुआ। वो यहां से करीब करीब 15-20 किलोमीटर अन्य के विद्युत केंद्र जाना पड़ता था, जो यहाँ जेवरतला ग्राम पंचायत में खुलने से आस पास के कम से कम 25 गाँव को इससे फायदा मिलेगा। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप जो विकास काम होने थे और आज उसी के अनुरूप वहां विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ और पूर्व मैंने अपने विधायक निधि से जो पैसा दिया था उसमें मंच का और अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण भी हुआ। और उसी समय भेंट मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्राम जेवरतला में विद्युत वितरण केंद्र, साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा और महाविद्यालय की घोषणा की गई थी। उसी प्रथम कड़ी में आज विद्युत वितरण केंद्र के आज यहाँ पर विधिवत रूप से कार्यालय का उद्घाटन किया गया। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्षेत्र की जनता की मांग के अनुरूप विकास काम किए जा रहे हैं और लगातार जनता की मांगों को पूरा कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार करके जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए ये सारी स्वीकृति उन्हें दी। खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट।